अच्छे अश्रु बहाने वाले, आंसू व्यर्थ बहाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। वैसे आवाम जो है लाइव इंडियन गार्ड को बहुत पसंद कर रही है, लेकिन आज हम डुमरी क्षेत्र में हैं और डुमरी में कल जब जैसे ही जनादेश आया कि टाइगर जयराम महतो ने फतह हासिल की है, विधायक बन गए हैं, डुमरी की जनता बहुत खुश हो गई। खुशी जो है वो डुमरी चौक पर नजर आया और पूरा डुमरी जो है कल जाम हो गया और लोगों ने अपने अनुसार अपनी खुशियों को दिखाया है और खूब मस्ती और धमाल किया। लेकिन पूरे जेएलकेएम की हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी बातें हैं जो जेएलकेएम को अनोखा और अनूठा बनाती है। कुछ बातों से आपको बेहद तकलीफ होगा तो कुछ बातें ऐसी है जिससे आपके अंदर हौसला भी बढ़ जाएगा। मेरे साथ पंकज जी हैं डुमरी से। डुमरी में जब उन्होंने जेएलकेएम को संभालना शुरू किया, कुछ विवाद भी हुए, कुछ घटनाएं भी घटी, तो चुनाव का जो सफ़र है, चुनावी सफ़र आसान नहीं रहा। रास्ते में बहुत सारे कांटे रहे, लेकिन फिर भी पंकज जी ने हार नहीं माना और आज डुमरी में टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम का खैची जो है वो चल चुका है और जनता जो है बहुत उत्साह के साथ इस जनादेश को पसंद कर रही है, स्वीकार कर रही है। पंकज जी से जानना चाहूँगी क्या कठिनाई रही थी डुमरी में जब उन्होंने जेएलकेएम का दामन थामा था और कैसे विधि व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। बहुत स्वागत है पंकज जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार है सब सभी को, आपके दर्शकों को। क्या हुआ था पंकज जी, क्योंकि जब आप लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, जयराम जी के जो हैं आप लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन करके काम कर रहे थे, क्या मुसीबतें रही थी डुमरी में जब आप लोग काम कर रहे थे? क्योंकि जीत के बाद इसकी चर्चा तो ज़रूर होगी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। मैम मेहनत तो हम लोगों ने किया है, इसमें कोई बोलने वाली बातें नहीं है और बयान नहीं कर सकते हैं, बट मेहनत बहुत किया हम लोगों ने। बट जो जो सारी कठिनाइयाँ हम लोगों के साथ आई ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ जयराम महतो, तो उस वक्त का मैं बताना चाहता हूँ कुछ बात सारी। मेरे ख्याल से जून जुलाई का वक्त था और 2023 था जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दादा के साथ मूवमेंट में जुड़े थे। तो उस वक्त हुआ था एक मेरे साथ पर्सनली केस कि सीएम जी का यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला था केबी ग्राउंड पे, जो कि हुआ क्या, बहुत सारा उस वक्त दादा का भी प्रोग्राम होने वाला था आपका यहीं पे कसमतपुरा ग्राउंड है, जो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि हम लोगों का जो बहुत बड़ा मूवमेंट एक छिड़ा था वो यहीं से ही छिड़ा था क्रांति के लिए, कसमतपुरा ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। केस ये था दीदी कि कुछ थे चंद मतलब मंत्री पुत्र के बेटे ही बोल सकते उस वक्त के, और उन्होंने क्या करवाया था और उनके जो चंद, हम तो चमचे बोलते हैं उन लोगों को, इसलिए चूंकि होता है पर्सनली खुन्नस है सबसे, बोलेंगे आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे यार। तो करवाया गया ये था कि बैनर पोस्टर खुद फाड़े थे वो लोग, और फंसाया गया था हम लोगों को। हम लोग जैसे पांच लड़का थे हम लोग तीन यहीं के थे, डुमरी के ही थे, दो बोकारो भथुआ बस्ती के थे, आज भी कॉन्टेक्ट होता है वो लोगों से, और केस मुकदमा से डर नहीं लगता है। केस मुकदमा हुआ, एक केस मुकदमा नहीं, 6-7 केस मुकदमा हुआ है, उस सबसे डर नहीं लगता है। बट दिक्कत इस चीज़ का हो रहा था ना मैम कि हम लोगों के साथ जो मारपीट प्रशासन ने किया था ना, वो बहुत ही मतलब तकलीफ दायक था। मारपीट की भी घटना हुई थी? बहुत मैम, ऐसे मारा था ना लोगों, ऐसा लोग मारा था, पुलिस वाले लोग थे उस वक्त, SDM मैडम भी थी, मेरा एक दोस्त उस वक्त पे दिलीप करके थे, उन लोगों ने लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे जी, उसने क्या किया था, वो पैर छू, मैम थी, लेडी हैं जी, उनको आज भी जहाँ भी होंगे मैम मेरा बद्दुआ लगेगा आपको, ठीक ना, वो लड़का पैर छुआ था मैम उसको कि मैम प्लीज हम लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए, हम लोग नहीं है, हम लोग ये सब काम नहीं करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। उस वक्त मैं PG का स्टूडेंट था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा था। मैम ऐसा हुआ था उस वक्त, एक दिन के बाद ही मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम था सेकेंड सेमेस्टर का, बट उस वक्त हम लोगों को मतलब फर्जी केस में फंसाया गया कि आप लोगों ने मंत्री जी का बैनर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ दिया है ऐसे करके, और
एक थाना नहीं, करीबन करीबन चार थाना हम लोगों को यहाँ से निमियाघाट से पीरटांड, पीरटांड से गिरिडीह मुफस्सिल भेजा गया। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर लास्ट में इधर उधर करके जो वैन होता है ना जिसमें कैदी लोग को लेते हैं उस पर इधर उधर करके पूरा सर्कुलेट कर रहे हैं हम लोगों को। और लास्ट में क्या किया गया, आठ एक दिन तो पूरा इसी तरह से बीत गया। दूसरा दिन हम लोगों के साथ चालान किया गया और हम लोगों को जेल भेजने का काम किया गया था। तो इस घटना के बाद परिवार वालों पर क्या असर रहा? पापा मम्मी ने समझाया होगा कि ये सब चीज़ से दूर हो जाओ, आप लोगों की तो कोई गलती नहीं रही, आपने एक विचारधारा का साथ दिया, फिर क्या रहा था घर का माहौल? लोगों ने तो कहा होगा छोड़ दो जेल के हमको। नहीं, छोड़ने के लिए तो देखिए पापा जैसे हैं, हम बेसिकली मेरे फादर वो उस वक्त घर पे थे जब पता चला कि ऐसे ऐसे हम पांच लड़के गए का मतलब जेल जाना हुआ है। जी। टाइगर दादा आए हुए थे घर, मोतीलाल महतो जी हैं जी। वो भी आए हुए थे घर और पापा मम्मी के साथ खड़े थे। तो आज आप बोलते हैं ना मैम कि आप दादा के साथ इतना स्ट्रांगली क्यों खड़े हैं, तो मैम जिस वक्त मेरे प्रॉब्लम का टाइम पे था ना उस वक्त कोई खड़ा नहीं था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो, मोतीलाल महतो, अमित महतो और तमाम जितने भी मेरे जेल कैंप के साथी लोग हैं ना मैम, वो लोग ही मेरे साथ खड़ा थे। तो आप जब जयराम महतो जी विधायक बन गए हैं, आपके सिर पर केसेस भी चल रहे हैं, परिवार जो है कोई भी सामान्य परिवार ये नहीं चाहता है कि बच्चों पर इस तरीके से केस लगे, कुछ भी मुकदमा दायर हो, अब कैसे निपटना है और आगे क्या है, भविष्य को अपना कैसे देख रहे हैं? भविष्य को तो मैम क्या ही देखे, अभी तब ठीक है, जो जयराम जी का साथ हमेशा देना है, कुछ भी हो जाए साथ तो देंगे मैम जब देंगे। हाँ, हम लोग देखिए वही बोले ना कि हम लोग खाटी झारखंडी है, हम लोग राड माटी के लोग हैं, हम लोग ना वो खून में लिखा हुआ है, हम लोग बदलने वाले नहीं है। हम लोग तो कभी आपने बचपन में ऐसा कभी सोचा होगा जब एज बढ़ रहा था कि कभी ऐसा होगा कि किसी आंदोलन में जुड़ जाएंगे, जेल जाने की नौबत आ जाएगी? जेल चले गए, इतना दुख हुआ, इतना तकलीफ हुआ, मनोदशा पर क्या असर पड़ा था, माइंडसेट क्या कह रहा था उस समय? नहीं, पढ़ाई जब कर रहे थे उस वक्त पे मतलब था ऐसा कि चूंकि नियुक्तियां आती है और नहीं हो पा रहा था उस वक्त, थोड़ा सा लगता है ना मैम कि आप दो साल मेहनत करते हो और नहीं हो पाता है, उसके बाद जब ये चीज़ आता है पेपर लीक हो गया या ये हो गया, फलना ढिकना हो गया, तो थोड़ा सा लगता है, उस वक्त पे लगता था। और उसी वक्त पे ये भी चीज़ था कि साला क्या करे क्या नहीं करे, तो उस वक्त से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चूँकि उस वक्त आपका भाषा आंदोलन चल रहा था और तो उस वक्त JPSC का भी एक पेपर लीक का मामला था, तो उस JPSC का जो पेपर लीक वाला मामला था ना मैम, चूँकि JPSC का तो उस वक्त पे हम ये नहीं थे, बट उस समय से ही हम लोगों ने दादा के साथ पे और जेल कैंप के उस वक्त जो भी केसेस हुआ करती थी उस वक्त पे हम लोग ने ये किया था। तो सफ़र बिल्कुल आसान नहीं रहा? सफ़र तो मैम आसान तो छोड़ दीजिए, कठिनाइयाँ इतना रही ना जी। इतना ज़्यादा कठिनाइयाँ रही ना कि आज भी जो है ना। तो आप लोग जो हैं, आप लोग जितने भी लोग जुड़े जेल कैंप से, आप लोगों की बदुआओं का असर भी रहा और इस बार जो है अपने ही गढ़ में बेबी देवी जो हैं उनको हार का सामना करना पड़ा, अब जो है आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अब तो जयराम जी अब यहाँ विधायक हैं? ठीक मैम, हो ना हो वो ठीक है, लेकिन चूंकि दादा के साथ में जब से हैं तब से हैं साथ में जी। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि मतलब कठिनाइयाँ कम हुई हैं उनके रहते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन कर देते हैं यहाँ वहाँ, नहीं, वो एक डायरेक्शन देते हैं कि ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जयराम महतो पर एक इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने युवाओं को बिगाड़ दिया है, लोग जो हैं वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जयराम महतो को कहा जाता है कि वो रील के नेता हैं, रियल के नेता नहीं हैं, पर डुमरी की जनता ने तो बता दिया कि वो धरातल के नेता हैं। आपको क्या लगता है कि सच में उन्होंने युवाओं की राह को भटका दिया क्या इस आंदोलन के जरिए? नहीं मैम, देखिए वो होता है ना कि जो लोग ज़्यादा मतलब आपके लिए आवाज़ उठाते हैं ना, वो लोग ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं टाइगर जयराम महतो के साथ में। टाइगर जयराम महतो मतलब झारखंडी के, मैं एक डुमरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा या बेरमो विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी मतलब झारखंड की युवाओं का बात कर रहा हूँ, पूरे झारखंड के युवाओं का वो आवाज़ थे। और कहीं ना कहीं बस यही सारे जो अलग पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए आप भी जान रहे हैं, सारे झारखंड की जनता जान रही है कि यहाँ पे आप बेरोजगारी का क्या मतलब ग्राफ कितना हाई है, तो बस यही चीज़ें हैं कि लोग आपको जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करना है, कोई आवाज़ उठा रहा था उसी का आवाज़ ही दबा दो, तो बस यही चीज़ हो रहा था जरा मातो। बट ये डुमरी की धरती है,
हम लोगों ने जो ठाना है ना कि जयराम महतो को, और देखिएगा मैम ये 10 साल की बात मैं बता रहा हूँ, 10 साल ठीक है, ये ऊपर वाले से ये रहेगा, और 5 साल में है ना, 5 साल में आपको हम लोग सत्ता में आके दिखा देंगे। अपोनेंट को ये चैलेंज करके दे दे रहा हूँ। अंतिम सवाल है, जगन्नाथ महतो जी की छवि जो है बहुत साफ रही है, पर क्या ऐसी भी कोई सच्चाई है जो डुमरी की जनता नहीं जाती है? क्योंकि चुनाव के दौरान तस्वीर आ रही थी कि जो उनके पुत्र हैं वो राह को रोक रहे थे, जेल कैंप को एंट्री रोक रहे थे कई जगहों पर। तो मतलब दो तरफा है, एक ही परिवार में जो है दो लोग जो हैं, पिता और पुत्र में बहुत अंतर है, असमानता है। पहले तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और ये कि वो जो थे ना वो समझिए कि हम लोगों को डुमरी के लिए उनके जैसा नेता अगर यदि अभी चूंकि टाइगर हैं तो यदि टाइगर भी एग्री करेंगे कि उनके जैसा नेता मतलब फिलहाल डुमरी के ये लिए में नहीं। कोई नहीं आया था। हाँ। और यदि कोई आएगा तो वो सिर्फ टाइगर जयराम महतो है, ठीक है। अब वो अलग लेवल के मैम, या उनमें जो स्थिरता थी, उनमें जो बात करने की सहलता थी, वो एक अलग लेवल के नेता थे उनको, और उनके जैसा कोई नहीं आ भी नहीं पाएगा। और बात रहा उनका बेटा में, तो उनका बेटा में वो गुण नहीं है, और कहीं ना कहीं नहीं रहने उनके बेटे में वो सारी गुण नहीं रहने की वजह है कि उनके जो इर्द गिर्द जो उनके कैडर लोग होते हैं वो लोगों का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा दबंगई होती थी कि डुमरी की जनता ने इस बार नकारी और टाइगर जयराम महतो को लोगों ने चुना है। धन्यवाद पंकज जी, आप सुन रहे हैं बेबाक बेधड़क हैं, और वैसे भी खून पसीने की चमक जो है चेहरे पे दिख रही है, कार्यकर्ता है, और उम्र का फासला जयराम से बहुत अधिक नहीं है, तो समर्थक में भी भाईचारापन है, दोस्ती यारी है, और आज विधायक है एक युवा नेता टाइगर जयराम महतो डुमरी का। जनादेश जो है वो सबके बीच में आ गया है, थोड़ी देर के बाद दोबारा जुड़ेंगे।